वहाँ पर डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट को यहाँ पर जम्मू काल का कॉलोनी का ये पूरा मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एक गुफा बनी है, यहाँ पर छोटे बच्चे बैठ के नशा करते हैं। तो डिपार्टमेंट का कोई बंदा कोई भी यहाँ पर नहीं था, डिपार्टमेंट किसी ने कोई यहाँ पर अभी तक कंप्लेन नहीं कराई है पुलिस वालों को। यहाँ पर अगर कोई बच्चा नशा करके आके जहर डाल दे पानी में बोल दे तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ के कारपोरेटर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या जो बताएंगे श्यामला जी की तरफ से लोग यहाँ पर आए हैं और ऊपर ही आने जाएंगे सारे लोग नशे करने वाले ये जहाँ पर फेडरेशन द्वारा हमने दिए इस अश्वासन के साथ के पानी रोज मिलेगा, इस अश्वासन के साथ हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, इस अश्वासन के साथ हमें साफ पानी मिलेगा। लेकिन गंदा पानी मिल रहा है, रोज पानी नहीं मिल रहा है, चार दिन के बाद पानी आ जा रहा है, गंदा पानी आया है, उसी के लिए आज निकले हम। जब यहाँ आकर देखा डिपार्टमेंट का तो था नहीं, लेकिन पीछे हमने देखा जितना नहीं जो लड़के जो हमारे नशा करते हैं इंजेक्शन यहाँ पर पड़े आप खुद देख सकते हैं, नशे के लत में लोग रहे हैं। आज डिपार्टमेंट को संज्ञान देना होगा, पुलिस डिपार्टमेंट को संज्ञान देना होगा। बिल्कुल ये देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो यहाँ पर कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो हम लोगों के टैक्स काट के इनको पैसे दे रही है वो किस लिए दे रही है? ताकि समाज को एक अच्छी सुविधा दे सके। और ये सुविधा देने के बजाय क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को पानी तो गंदा दे ही रहे हैं और नशा भी फ्री में दे रहे हैं। तो मेरा चैनल के माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी पुलिस है और प्रशासन है ये जाके जब हमारा समाज जो है वो बच्चे हमारे मर जाएंगे गिर जाएंगे समाज हमारा गिर जाएगा क्या, तब तक वो किस लिए पैसा कमाएंगे किस लिए? अगर डिपार्टमेंट है अगर हमारे बच्चे सेफ नहीं है तो डिपार्टमेंट किस लिए है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन यहाँ पर मिले इसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक तो लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और दूसरा ट्यूबवेल के अंदर से कुछ नशे वाले जो है वो इंजेक्शन यहाँ पर देखने को मिले? अगर लैब से ही पानी साफ ना जाए तो आगे लोगों को साफ पानी ना पहुंचाए फिर लैब का क्या फायदा है? मैडम आप क्या जाइए आप मैडम आप बताओ ड्यूटी मैडम आप यहाँ पर जाइए अभी वहाँ पर यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है देख सकते हैं। देखो ये सारा मामला आपके सामने ठीक है नहीं, यहाँ पर जो नशे के लिए जो कैसे हुआ है पानी गंदे पानी की बात आई रोज पानी की बीमार हो जाएगी कोई कसरी हो जाएगी तो बीमार हो जाएगा उसका जिम्मेवार कौन है? यह डिपार्टमेंट वाले जिम्मेवार है, उनको शर्म नहीं है किसी बात की। हम 50 दफा इनसे गुहार लगा चुके हैं भाई इनका पानी जो है साफ पानी दो एक ही टाइम दो पानी डेली आना चाहिए। ये तीसरे दिन पानी आता है कभी चौथे दिन पानी आता है कभी गंदा पानी दे रहे बहुत दुखी होके आया इनका बोला है कि अच्छा पानी दो साफ पानी दो झंडे को तैयार ही नहीं है कोई बंदा इधर छुप रहा है कोई बंदा उधर छुप रहा है कोई बंदा उधर छुप रहा है सब जान जा रहे अपनी जाए सारे अपने अपने जान बचा रहे हैं। आज आके हमने इनको ये बोला कि पानी हमें साफ सुथरा पानी दो अगर हमने बहुत फोटो वालों ने लाखों करोड़ों रुपए की जमीन आपको पीएचसी वालों को दी है उसके बदले में पानी हमने इनसे वादा किया था पानी हम आपको 24 घंटे पानी देंगे और ये गंदा पानी दे रहे हैं आप दुनिया को उल्टा मार रहे हैं। स्मार्ट सिटी क्या बनानी है स्मार्ट सिटी क्या बनानी नशा तस्करी इतनी हो रही है इसके अंदर कहने की बात नहीं आपने देखा होगा कितने इंजेक्शन मिले क्या मिला यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे पानी के अंदर कोई जहर मिला के चला जाएगा यहाँ पे कोई जहर मिला के चला जाएगा कोई दिमाग फिरा
कोई सिर फिरा बंदा तो जहर मिला के चला जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन है? पूरा बफोड़ जो है वो करने वाले यहाँ के मुलाजिम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सारी मिली भक्ति है, सारी मिली भक्ति है इनकी, वो इनकी मिली भक्ति है, इनका फर्ज बनता है पुलिस स्टेशन जाकर वोट कराने। आप कह रहे हैं पूरा बफोड़ आपके साथ है, अच्छा काम कर लिया हम आपके साथ। इतना दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है कि इतनी नशीली चीजें देखने को मिली है, वो इनकी कमजोरी पीएचसी वालों की कमजोरी है। ये रिपोर्ट तक नहीं करा सकते, रिपोर्ट तक नहीं करा सकते, मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी नौकरी कर रहे हैं। जेई कह रहा है मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, मैं ये हूं वो हूं, जेई की वर्डिंग है। जेई साहब जो हाथ खड़े कर गया, हाथ खड़े कर गया, कहता मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं। नशे वाले इंजेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिले, जनाब मसला यह है, तुसी ओकल बोर्ड किस तरह की पानी की सप्लाई कदों चेक करो, दस बजे सवेरे सवेरे सप्लाई लग गई, चौथे दिन पानी आया, सप्लाई लगी गंदा पानी, ड्यूटी का जो भी है तुसी ओकल बोर्ड क्यों की, किस तरह सप्लाई गई है, सप्लाई किस तरह चल गई, थोड़ी इजाजत के बगैर सप्लाई किस तरह हो गई। ये थोड़ा देखो ये थोड़ा डिपार्टमेंट बने गए, ये थोड़ा डिपार्टमेंट जिस वास्ते बने गए, पानी की सेफ्टी, पानी की सेफ्टी, पानी साफ सुथरा मिलना चाहता पब्लिक को, लैब बनी, लैब का मतलब क्या है, लैब का ये मतलब है पानी फिल्टर करके ओकर बोर्ड होगी फिर सप्लाई होनी चाहिए अगर, इन्होंने ओकर बोर्ड किस तरह कर दी, वह जिम्मेवार कौन है, लैब वाले भी जिम्मेवार रहे, लैब वाले भी जिम्मेवार रहे, समझे, सप्लाई किस तरह आगे चलेगी, बड़े शर्म की गल है, थोड़ी शर्म की गल नहीं, बड़े शर्म की गल है, यह पानी पी के दुनिया बीमार हो जाएगी, कल को चंगी माड़ी गल हो जाएगी, कल किसी ने डेथ भी हो सकती, वह तो जिम्मेवार कौन है, डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, नलायकी डिपार्टमेंट की, समझे बैठे, अज बहु फोड़ने जिन्हें भी जनता है, माता भैन बुजुर्ग जिन्हें भी आए सारे सड़क पर आए थे, दुखी हो गया साहे, दुखी हो गए, बार 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 समझा समझा के समझा समझा के, इन्होंने कोई है ही नहीं, असर ही कोई नहीं किसी गल का, ये लगता है अंकल जी इस तरीके का स्मार्ट सिटी बनी सके कि लोगों की इस तरह का स्मार्ट सिटी, मैं उम्मीद नहीं है बनने की, इन्ना गंदा पानी ये दुनिया मारे करते ना, जान बुझ के दुनिया में मारे करते, ये देखो ना हालत, देखो पानी की, ये देखो पानी की हालत, कीड़े चले करते कीड़े, WHO पाकिस्तान का दौरा किया, महामारी फैली पाकिस्तान, पाकिस्तान महामारी फैली, WHO ने बोलिया महामारी फैले कर दी, संज्ञान लो, पाकिस्तान को फटकार लाई, हूं इतने फटकार लाने वाली हूं जनता ही है, WHO के अप्रोच करा, असं उत्थे अप्रोच करा, इतना सुनने वाला कोई नहीं, डिपार्टमेंट का बंदा कोई नहीं, अज तक हूं जे आया जे भी हाथ खड़े करके, जे मैं की करा जी, मैं क्या करूं जी, मैं क्या करूं, यह पता होगा मैं क्या करूं, तू गवर्नमेंट का एक मुलाजम है, जस्टिस अफसर हूं चाहिए, मेयर साहब आखते इन स्कीम लाई लोगों की इन सुविधा दी, लगता कोई सुविधा नहीं मिली जी, कोई जमीन तो ग्राउंड लेवल तक देखो ना कि सुविधा है, असं कोई मेयर साहब से कोई बुराई च नहीं है, बिल्कुल वो बुराई च नहीं है, अस देखो ना जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल उन्हें अपने अखा देखना चाहिए, हूं तो साडा फर्ज बनता मेयर साहब अगर असं गुजारिश कर रहे हैं, इस बफोड़ के लोग जोड़े ने पानी को मतलब कि इन्ने दुखी ने पानी को कह की गल बड़े दुखी ने, इन्होंने वादा किया साडा मेयर साहब ने वादा किया है तो डेली पानी देंगे, डेली पानी देंगे, सब चुका पानी आएगा, अज तक पूरा नहीं होया, अज तक पूरा नहीं होया सर, मैं कि आखा तो जाना, इन्ने दुखी है सब, बड़ा पूरा बावा पूरा बच्चा बच्चा दुखी है, इन्हें दुखी, पानी तो मिलना चाहिए यार, पानी एक दसो भगवान ने एक कुदरत ने एक अनमोल चीज बनाई दी है पानी, वो तो देना चाहिए गवर्नमेंट ने। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.